जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वर्षा, आज सोम का बर्थडे और मैं ये मिठाई उसके लिए लाई थी, तो इस वर्षा, सोहम ने आज तक जितनी भी गलतियां की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें उसकी कोई भी गलती है। तू ही शायद मां होने का फर्ज नहीं निभा पाई। माई, जैसन तू सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है माई। वो तो बाबा हमको कहेगी। कुछ मत बोल, तू चला जाए यहाँ से। माई, एक तो बार मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना कुछ मत बोल, तू चला जा वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। माई, नहीं माई, रुक, तू शांत हो जा, हम तू कहीं मत जा, हम जाते हैं यहाँ से। आप ये चीज हमरे लिए लाई थी ना? हम तोहार बेटे नहीं है, बुझे? ए लाला, लाला, अरे सुन, लिगा ले सबका चढ़ा यहां से, पता नहीं कहां से। ए लाला, देखा ताई, एक तरफ सोहम मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरा थोड़ा सा गुस्सा होना भी उसे बर्दाश्त नहीं, और दूसरी तरफ तुझसे इतनी नफरत करता है कि तूने प्यार से लाई हुई चीज उसे मंजूर नहीं। भाई, मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है, उसे सुरक्षित रखने के चक्कर में वो एक गुंडा बन गया, लेकिन ताई ये सारी चीजें, ये सब कुछ करने से मैं भी उसे रोकती हूं, और मैं भी नहीं चाहती थी कि वो एक गुंडा बने, लेकिन क्या करती, हालात के आगे मजबूर थी। जानती है ताई, 18 साल तक मैं डरती रही कि अगर सोहम को सच्चाई पता चल गई तो वो क्या करेगा, शायद मुझसे नफरत करने लगेगा। लेकिन आज मैं डरती नहीं हूं, क्योंकि उसे सच्चाई पता चलने के बावजूद उसने मुझे चुना है, मुझे अपनाया और तुझे ठुकराया है। आज के बाद वो मेरा बेटा बनकर रहेगा, तेरा नहीं। ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है वर्षा, इस गलतफहमी को मैं दूर करके दिखाऊंगी बहुत जल्द। जितना विश्वास तुझे है ना अपने आप पर, उससे कई ज्यादा विश्वास मुझे है अपने आप पर। तू देख, मैं अपनी ममता से बदलूंगी सोहम को, उसे सही राह दिखाऊंगी और उस राह पे चलना भी सिखाऊंगी। एक दिन आएगा वर्षा, एक दिन आएगा जब सोहम खुद मेरे पास ये मिठाई लेकर आएगा और अपने हाथों से मुझे खिलाएगा। आज वक्त तेरा, इसलिए सोहम तेरे साथ, लेकिन बहुत जल्द मेरा भी वक्त आएगा जब सोहम मेरे साथ होगा, और तब तुझे पता चलेगा कि एक माँ को अपने बच्चे से दूर करने का दर्द क्या होता है। तो फिर मैं भी देखती हूँ तू मेरा बेटा मुझसे कैसे छीन दिए। अब तू देख वर्षा, सिर्फ देख। अच्छा अर्चना, तुम आ, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था।
एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरी टाई निकाल दो ना प्लीज। अभी लेकर है। और हाँ अर्चना, आज अर्चना जी की पुण्यतिथि है, मंदिर में जो भी चीजें दान करनी है तुम सीधा ऑफिस लेकर आना, मैं तुम डीके सर वहीं से उस ट्रस्ट में जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ अर्चना, तुम परेशान लग रही हो? माना वो मैं सोहम से मिलने गई थी। क्यों? आज उसका जन्मदिन है मानव। अर्चना ये सब करके क्या फायदा? उसे तुम्हारे प्यार, तुम्हारी उम्मीदों से कोई लेना देना नहीं। जब वो इस घर में आने ही नहीं वाला है तो फिर? लेकिन हम अपनी तरफ से एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो देखो अर्चना, मैं इस घर में पहले ही सबसे कह चुका हूँ कि इस घर में कोई भी सोहम का नाम तक नहीं लेगा। अर्चना मैं समझ सकता हूँ, तुम सोहम की आई हो, तुम्हें उससे लगाव, तुम दिल से चाहती हो कि वो इस घर में वापस आ जाए, लेकिन क्या वो भी ऐसा सोचता है? उसे है हमसे लगाव? अरे वो तो तुम्हें अपनी आई तक नहीं मानती। अर्चना इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि उसे इस घर में लाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना तुम ही दुख होगा, तुम ही हर्ट होगी, जिसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। वैसे भी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कोर्ट का ऑर्डर? आठ सोहम के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है और उसकी सुनवाई 10 दिन बाद। इस बार मैं कोर्ट के सामने सारी सच्चाई रख दूंगा। अगर मुझे सोहम के खिलाफ गवाही देनी पड़ी तो वो भी दूं। अर्चना तुम प्लीज अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करो, वरना तुम सही फैसला नहीं ले पाओगे। अब तक तो उन लोगों को भी कोर्ट का नोटिस मिल गया होगा, अब मैं उस बालन को कोर्ट में सबक सिखाऊंगा। સરસ મજાની ઘરેલું ચાલ છે। એ મજા પડી ગઈ હો દીદી। દીદી આલો સામાન તો ઉઠાવો। क्या कर रही है? मैं कब से बोल रही हूँ। हाँ, उतर रही हूँ। मैं भी हूँ। संभल के शांति से ये ले भाई। आए जल्दी जल्दी सामान उतार। देखो अगर कोई भी सामान टूट गया ना तो। हाँ सामान का पैसा मजूरी के पैसे में से कटेगा। कटेगा। देखो देखो हमारी हालत देखो। चलो एक को छोड़ो, दो दो जवान बेटे हैं, एक भी नजर आ रहा है? सब कुछ मेरे को करना पड़ता है अकेले अकेले। ऐसे थोड़ी मैं सामान सब शिफ्ट करा सकती हूँ। अरे स्नेहलता क्यों ऐसी बात करती है? अभी वो जिग्नेश दुकान संभालेगा कि ये घर का कामकाज करेगा है। अच्छा ठीक है चलो, जिग्नेश को छोड़ो। शनि क्यों नहीं आया? शनि क्यों नहीं है तो? अरे वो शनि का होना ना होना एक ही है, अभी भी भटक रहा होगा किधर। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि अभी हम लोग जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ना वो घर कैसा है और कहाँ है। क्या किसने ये टेम्पो रखा है? निकालो ना, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। एक कौन बोला टेम्पो निकलने को? कौन बोला? मैं बोल रही, देखने दो तेरा थोबड़ा मुझे देख। अरे तेरा थोबड़ा दिखा हमड़ा है ने। अरे तेरा थोबड़ा देखने मैं आ रही हूँ। कहाँ है तू? देखने तो हटा ले। क्या बोला? क्या है? कौन है? क्या कौन बोला? कौन बोला? उधर से बोला, वो उधर है। इधर है वो। हटाने को कौन बोला? अभी कौन बोला? इधर किधर गई? तुम्हारा जो डर के उधर भाग गई। भागी गई ने साले। तू बोली क्या? हाँ मैं बोली, टेम्पो नहीं हटेगा जब तक मेरा सामान उतरेगा नहीं। टेम्पो नहीं हटेगा। क्यों? क्यों? सामान उतर रहा है। अरे तेरा सामान शाम तक उतरते रहेगा तो मैं क्या कमर पे हाथ लेके रुक्मिणी बन के खड़ी रहूँ शाम तक? ओ रुक्मिणी मेरा सामान शाम तक क्यों नहीं उतरेगा? पूरी चाली का सामान चाहिए, खाली हम लोग का नहीं। अरे आप
ऐसा हाथ रख के ना, उधर जगह है, उधर की गड्डी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।